वो दूसरा वाला कहने लगा चल वीडियो बनाएगा, मुझे चल इसके पीछे को लेकर चल, बाँह पकड़ के मेरे पीछे को लेकर ले आने के बाद फिर मेरे पे भयाना चालू कर दिया। वो कह रहा मार देंगे हम जान से तुम्हें, मारने की धमकी दे रहा था वो हमें, उस पर खुरपा देगा। तुम्हारा कसूर इतना था तुम्हें प्यास लगी तुमने अंदर जाके पानी पिया, और कुछ किया था तुमने? नहीं, कोई बाथरूम शौच वहां नहीं किया, ना। सिर्फ पानी पिया था, पानी पिया था बस। अच्छा, ठेला खड़ा कर दिया ठेले का बाहर ही। हाँ, बाहर से बुलाया थे मुझे नाकुआ पंडित जी ने। हाँ, बुलाने के बाद फिर हाथ पकड़ कर पीछे ले गए थे। कितने लड़के थे? दो पंडित जी है। दो पंडित जी, जानते हो तुम उनको अच्छी तरह? नहीं, पहले ना थे वो। अच्छा, वो दूसरे वाले तो ना थे। हाँ, ये नए आए। अच्छा, मंदिर में। हाँ, पानी पी के बाहर को आया था। हाँ, बाहर से फिर मेरा हाथ पकड़ कर अंदर को ले गए मंदिर के अंदर। हाँ, अच्छा। अंदर ले आने के बाद मेरी बहू मोड़ कर फिर मेरे में बजाने लग गए। पापा का नाम पूछा, क्या नाम है तेरे पापा का? मैंने कह दी पापा का नाम हबीब है, मेरा नाम आसिफ है। फिर मेरे वो दूसरा वाला कहने लगा चल वीडियो बनाएगा, मुझे चल इसकी पीछे को लेकर चल, बाहू पकड़ के मेरे पीछे को लेकर ले आने के बाद फिर मेरे पे भयाना चालू कर दिया। वो कह रहा मार देंगे हम जान से तुम्हें, मारने की धमकी दे रहा था वो हमें, उस पर खुरपा देगा। तुम्हारा कसूर इतना था तुम्हें प्यास लगी तुमने अंदर जाके पानी पिया, पानी पिया। और कुछ किया था तुमने? नहीं, कोई बाथरूम शौच वहां नहीं किया, ना। सिर्फ पानी पिया था, पानी पिया था बस। अच्छा, अकेले थे या और भी बच्चे थे पानी पीने? अकेले ही। हाँ, मैं अकेले थे। ये पहले कभी हुआ तुम्हारे साथ? पहले ना था, आप करने लग गए जिस दिन से वो आया ना। क्या आया? कौन वो पंडित आया ना? पहले ना वो और कोई। हाँ, पहले तो पहले कोई और पंडित था। हाँ, पहले तो रोक टोक ना थी, अब रोक टोक करने लग गए ये। अच्छा, पहले तो हम रामलीला वीला पानी वानी पीने चले जा रहे, घूमने भी चले जा अंदर। हाँ, जब ना थी आप करने लगा यू आया। अच्छा, तुम्हारी आसिफ बाजू मोड़ी थी ना? हाँ, बाजू टांग बांग भी टांग दर्द है बाजू में। हाँ, सब में दर्द अभी। अभी तो क्या दवा ले रहे हो? हाँ, दवा लेकर आया। कहाँ से लेकर आए दवा? अस्पताल से लेकर आया। तो पुलिस साथ गई थी, खुद गए थे आप? पुलिस साथ गई, दवा दिलवाई। ठीक है, तो एक्सरे अब क्यों नहीं करा रहे? एक्सरे कराएंगे, मीडिया वाले ज्यादा आ रहे हैं ना, तो इसमें मीडिया की वजह से बच्चे का एक्सरे नहीं रोक सकते ना। उसकी बाजू मुड़ी, उसका हड्डी अगर टूटी है तो एक्सरे होना है। मैं बताऊंगा। हाँ जी, इनके पास जुगाड़ नहीं, गरीब आदमी है। हाँ, नहीं कोई नहीं, मैं इसीलिए आई हूँ कि साथ ले जाकर बच्चे का एक्सरे कराए। पुलिस को साथ चलना है तो पुलिस को बुलाते, एक्सरे तो हो बच्चे का। आज कितने दिन हो गए वारदात को हुए? आज चौथा दिन है ना, और बच्चा यही का यही है। इसका हाथ मोड़ा हमने वीडियो में देखा है, अब उसका एक्सरे होना है, वो दर्द में है। कल भी बताया आपने कि मीडिया की वजह से नहीं जा पाए। बहुत भीड़ आज भी, कल भी नहीं। तो मीडिया तो अपना काम करता रहेगा, मीडिया की वजह से बच्चे का एक्सरे नहीं रोकना ना। आप कहें तो हम पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को एमएलसी या फिर जो भी कराना है वो कराए। एमएमजी में कह रहे हो? हाँ, तो कहे ना, चार दिन हो गए ना, पास जुगाड़ नहीं है किसी वजह से। हम बैठे और नए को सुपारी से निकला, जो खड़ा हो जाएगा। कहाँ खड़ा हो जाएगा? अस्पताल में तो जाएगा नहीं। हाँ, पुलिस साथ जाएगी ना। हाँ जी, और आप भी साथ जाओ। हाँ, भर्ती हो जाएगा। हाँ, इसका एक्सरे भी हो जाएगा, इसकी दवाई गोली भी चलेगी। हाँ जी, अब इसके साथ कुछ जान तैयार नहीं, एक सोचने की बात है। नहीं, हम लोग बैठे ना, मैं तो दिल्ली से चलकर आई हूँ। मैं वैसा कह रहा हूँ की गरीब आदमी का सिस्टम होता कौन? नहीं, गरीब के लिए लड़ रहे हैं हम लोगों का क्या मकसद है राजनीतिक दलों का? ये तो बढ़िया बात है, तो गरीबी का ही लगाते हैं, किसान गरीब मजदूर। अब पुलिस को बुलाया जाए, पुलिस बुला के इनको लेके जाया जाए, भर्ती कराया जाए, एक्सरे हो। ठीक है, तो करना। तो पुलिस वाला जो इसको देख रहा था, इस मामले को, उसका नंबर है आपके पास? नहीं, नहीं। कोई फोन नंबर नहीं दिया? नहीं, थाना चौकी कहाँ लगती है यहाँ पर? कोई नहीं आया, थाना लगता है। बस रात ही आए हो? वो रात ही एक दफे आगे फिर नहीं आए। क्या करने आए थे रात को पुलिस वाले? देख के चले गए इसको, देखा और चले गए। ये नहीं बोला एक्सरे के लिए ले जाना, आप ले जाओ या हम ले जाएंगे। फोन नंबर है यहाँ पुलिस वाला, उन्होंने हबीब साहब यहाँ की पुलिस की चौकी का नंबर है आपके पास? हम फोन करके पूछते हैं या ना, हम ले जाते हैं बच्चे को। आप चलिए, परिवार की माँ कहाँ है? चौकी सामने ये माँ है, आप है ना, तो आप चलिए हमारे साथ गाड़ी में, इसका एक्सरे कराते हैं, इसको दवा वा जो है ना। अब बंदा तो वो अंदर है, हमने इनको हबीब साहब को बोला। आपको कानूनी मदद चाहिए, बड़ा सा बड़ा वकील चाहिए? मैं कांग्रेस दिल्ली से आती हूँ, हम देंगे। आपको कुछ भी बच्चे के इलाज पे खर्चा, हम देंगे। इसकी लड़ाई को लड़ना है, ठीक है ना? मैं माफी चाहूंगी, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरा धर्म आपके धर्म की तरह सिखाता है कि भूखे को रोटी खिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है, और हिंसा नहीं कर सकते। इंसानियत जिस
धर्म में नहीं, बेकार धर्म, वो धर्म नहीं है ना, ये तो इनकी परिभाषाएं हैं, इनकी परिभाषाएं, इनका अपना धर्म होगा, पता नहीं कौन सा, हमारा वो हिंदू धर्म नहीं, हमारा आपस में प्यार चाह रहे, ये मेन बात यही तो है, ये तो मासूम निर्दोष बच्चा, हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं है, जब से बाबा आया इस मंदिर में, हाँ। इसने धर्म बांट दिया है, हाँ, वही बच्चा बता रहा है, बच्चा पानी पीने गया था, हाँ। बच्चा ही तो है, हाँ। इसे थोड़ी पता क्या बोर्ड पर तुमने क्या रिकॉर्ड किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पानी पी के आ रहा है, आगे भी इसे बुलाया गया, जाके इसका नाम पूछा है, इसके बाप का नाम पूछा, इसने मुसलमान नाम बताया, इसको मारा, नहीं वो देखा वही तो वीडियो, पानी कितने लोग हिंदू पानी पिया लगाते हैं। बहुत से सवाल थे कि आसिफ को पीटा क्यों गया, बेरहमी से पीटा गया, और उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल करके दूसरों को भी डराने की कोशिश की गई कि अगर आप गाजियाबाद के उस दासना के मंदिर में आएंगे तो आपका ये हर्ष किया जाएगा। हर बच्चे में खौफ और डर था, जब मैं दासना में पहुंची आसिफ को भी मिली। आसिफ का कसूर क्या था? आसिफ कबाड़ी का काम करता है, अपने घर का पेट पालने के लिए इतनी महंगाई और बेरोजगारी में अपने परिवार की मदद करता है। 12-13 साल का आसिफ कबाड़ बिनता हुआ, प्यास लगी, गाजियाबाद के डासना के मंदिर के अंदर चला गया, पानी पिया और वापस आया, दो लोग अंदर से आए, बच्चे को वापस खींच के अंदर ले गए, वीडियो में भी पूछ रहे हैं क्या करने आया था, पानी पीने आया था, ये जवाब दिया आसिफ ने, उसका नाम पूछा आसिफ, उसके पिता का नाम पूछा हबीब, और उसके बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई।